क्योंकि हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार प्रताड़ित करके जेल में डाला गया है, ये चमरन इंडिया जी का यह कदम ऐसा लगता है कि वो भी उनके साथ हो गए जिन्होंने हेमंत सोरेन को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, 29 राज्यों में मुख्यमंत्री है जिसे जेल में डाला गया, उनके वो सहयोगी बन रहे हैं। वो हमारे छोटे भाई है, मैं उन्हें माफ किया, ये उनका संस्कार है, उनका मापदंड है। क्या उनके पास कोई पैरामीटर है कि मैंने उन्हें माफ किया? वो नादान है, मेरे छोटे भाई है। लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। विदित हो कि लोहरदगा में चमरा लिंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इसे लेकर सुखदेव भगत ने कहा है कि अभी विवेक से काम लेने का समय है। लोहरदगा से गठबंधन प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कहा कि चमरा लिंडा को मालूम है कि यह सीट कांग्रेस को दी गई है, इसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा, उनसे गलती हुई है। खैर कोई बात नहीं है, बाकी सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। नामांकन के बाद टाउन हॉल मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। विधायक हैं और एक सीनियर विधायक है और मैं समझता हूँ फिर छोटे भाई हैं, मैंने उन्हें माफ किया। वो नादानी में, मैं समझता हूँ आवेश माँ के कोई निर्णय ले रहे हैं और जो उनका जो ये निर्णय है कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा। और हमारा जो संघर्ष है, हमारे आदिवासी अस्मिता के बारे है, आदिवासी आइडेंटिटी के बारे है, लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का उन्हें सहयोगी बनना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार प्रताड़ित करके जेल में डाला गया है, ये चमरन इंडिया जी का यह कदम ऐसा लगता है कि वो भी उनके साथ हो गए जिन्होंने हेमंत सोरेन को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, 29 राज्यों में मुख्यमंत्री है जिसे जेल में डाला गया, उनके वो सहयोगी बन रहे। इसलिए मैंने कहा हमारे छोटे भाई है, मैं उन्हें माफ किया और ईश्वर से मैं यही उम्मीद करता हूं उन्हें कम से कम ये विवेक दे और वो अपना निर्णय अपना समझे कि आज संघर्ष के जब समय आ गया है तो संघर्ष के साथ चले, ना कि किसी और के वो पाले। ये उनका संस्कार है, उनका मापदंड है। क्या उनके पास कोई पैरामीटर है? क्या सारे जनता यहाँ पर, यहाँ के इतने करोड़ जनता जाकर उनसे मिली है क्या? ये मैंने इसलिए कहा, मैंने उन्हें माफ किया, वो नादान है, मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं और लगता है उनके इस वक्तव्य से ऐसा लगता है राजनीतिक रूप से बहुत ही अपरिपक्व है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।